हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बेटा ये पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। जो आइसोमेरिज्म वर्ड है, आइसोमर जो वर्ड है, वो कहाँ से लिया गया है, इसका क्या मतलब होता है। तो जो आइसोमेरिज्म वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसो प्लस मेरिज्म। और कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ये ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है। आइसो का मतलब होता है इक्वल और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट्स, यानी ऐसी कोई चीज जो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहेगी, इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। पर्टिकुलरली ग्रीक लैंग्वेज के अंदर इसे इस तरीके से डिफाइन किया गया, लेकिन हमें यहाँ पे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो देखिए, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, इट मीन्स दैट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिप्रेजेंट टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स। यानी ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो आइसोमेरिज्म शो करेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला होगा जिसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम रहे, सॉरी जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहे, लेकिन जब आप उसे ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो उसके स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बनेंगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। यानी स्पेस के अंदर उनकी अरेंजमेंट अलग होगी, स्ट्रक्चरल उसकी जो स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन है वो अलग होंगी, लेकिन उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है वो हमेशा सेम रहेगा। इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म। जो आइसोमेरिज्म होता है ये दो तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, या फिर इसे स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात करेंगे। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है इसे लेके चल रहे हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आइसोमेरिज्म सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस जनरेट करता है, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम यहाँ पर फॉर्मूला लेके चलेंगे, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेके चलेंगे उसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर डिफरेंस जनरेट होता है तो वो किसकी वजह से होगा, कौन से आइसोमेरिज्म की वजह से, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वजह से जनरेट होगा। इसे फर्दर हम फोर क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। वो फोर क्लासेस कौन कौन सी है, देखिए, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेंट और हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये फोर टाइप है। आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, या फिर इसे स्पेस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इन दोनों आइसोमेरिज्म को अलग अलग से स्टडी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके बारे में ही बताऊंगी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होता है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स जो होती हैं उनमें डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और किसी चीज़ में डिफरेंस नहीं होता। जैसे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, अब मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ बेटा, आप अपनी बुक से देखते लिख सकते हैं। बता देती हूँ क्या होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो है। अब यहाँ पे इसने वर्ड क्या यूज किया है, आयनाइजेशन, यानी ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके आयनाइज होने के बाद जो आयन से उनके अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन उसके जो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर डिफरेंस मिलेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है PtNH3O4OH2, और जो काउंटर आयन है वो है SO4। अगर आप इसे डिसोसिएट करेंगे तो ये एक तो आयन आपका ये बनेगा कॉम्प्लेक्स आयन, और जो आपका काउंटर आयन है वो क्या है, SO4 2- बन जाएगा। सेम कन्फर्मेशन है, चार NH3 है, दो OH है, एक SO4 है, एक प्लेटिनम है। अब यहाँ पे देखिए, एक प्लेटिनम है, चार NH3 है, दो OH है और एक SO4 है, लेकिन काउंटर आयन चेंज हो चुका है। यहाँ क्या था, SO4 2- था काउंटर आयन, और यहाँ पर क्या है, OH- है काउंटर आयन। यानी जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है उसमें आयनाइज होने के बाद जो काउंटर आयन है वो चेंज हो जाते हैं, यानी सिर्फ लिगेंड्स जो हैं वो अल्टर कर जाते हैं। यहाँ पर काउंटर आयन SO4 था और यहाँ आयनाइज करेंगे तो OH- मिलेगा। तो ये था आयनाइजेशन, बाकी फॉर्मूला सेम है दोनों के। सेकेंड देखिए, सोलवेट और हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। सोलवेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं एज ए मेन लिगेंड जो होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे देखो, सोलवेट या हाइड्रेट का मतलब ये होता है कि किसी ने किसी सोलवेंट से रिलेटेड है ये चीज। तो यहाँ पर देखिए, CrH2O6, जो H2O है ये एक्वा जो है, यहाँ पर ये आपका लिगेंड मॉलिक्यूल है, 6 टाइम ले रखा है, और क्या है, Cl3 काउंटर आयन है। इसी के साथ जो एग्जांपल है वो देखिए, CrH2O5Cl, एक क्लोरीन यहाँ से अंदर चला गया और एक H2O यहाँ से बाहर आ गया। तो अंदर एक क्लोरीन चला गया था तो क्लोरीन तो दो बचे बाहर, और एक
H2O प्रेजेंट है, तो ये सोलवेटेड या फिर हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर है। जब भी डॉट लगा के H2O लिखते हैं, इसका मतलब हाइड्रेटेड जो सॉल्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें भी हाइड्रेटेड कंपाउंड पाए जाते हैं, अगर इस तरीके से डॉट लगा के H2O लिखा हुआ है तो। अब सिर्फ ये यहीं पे नहीं रुकेगा, अगर फर्दर आप और एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ से अंदर चला जाएगा। इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है, जो कलर है वही डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर आते हैं। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होता जाएगा, लिगेंड्स एक्सचेंज होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा जो कलर की प्रॉपर्टी होती है वो इनकी चेंज होती चली जाती है, और जिससे क्लियरली पॉइंट आउट हो जाते हैं। अब बात करेंगे हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज वर्ड यूज किया, देखिए बेटा इनमें आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो इनके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। लिंकेज यानी कहीं ना कहीं से जब लिंक हो रही है चीज, तो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है कोबाल्ट का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH3O5ONO, ठीक है। जो जो NO2 होता है ये NO2 या फिर ONO की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ पर एम्फीडेंटेट जो लिगेन होते हैं उनका यूज किया जाता है। कौन से लिगेन रहेंगे? एम्फीडेंटेट लिगेन्स का यूज किया जाएगा। अब देखिए सारी चीजें सेम है, लेकिन यहाँ तो जो लिंकेज है, जो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो ऑक्सीजन बना रहा है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में क्या बनाएगा? नाइट्रोजन बनाएगा सेंट्रल मेटल के साथ। वो सिर्फ NO2 ही यहाँ पे है और N दो ऑक्सीजन है, NO2 ही यहाँ पे है, लेकिन जो लिंकेज है वो यहाँ पर तो नाइट्रोजन करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन करेगा। तो लिंकेज जो है उसके अंदर फर्क आ रहा है, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो ऑक्सीजन बनाएगा और यहाँ नाइट्रोजन। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसकी एक खासियत ये रहती है कि हमेशा जो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो ही इसके अंदर यूज किए जाते हैं और कोई भी लिगेंड यूज नहीं किया जाएगा। या तो NO2 हो सकता है और इसके साथ ONO आएगा, अगर SCN लेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? NCS आ जाएगा। तो इस तरीके से जो लिगेंस है एम्बिडेंटेड उनका यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लास्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब नाम ही क्या है इसका, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी छोटे छोटे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हम बना रहे थे, हालांकि छोटे तो नहीं होते, जब हम उनके नॉमेनक्लेचर करते हैं तो काफी लेंथी चला जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में सिर्फ कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स ही प्रेजेंट रहेंगे जो कैटायन का भी काम करेंगे, एनायन का भी काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल CONH3O6 CrCN6, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्लियर। लेकिन क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है तो यहाँ पे क्या होगा एग्जांपल के अंदर कि सिर्फ आपने क्या किया है, लिगेंस अल्टर कर दिए, या तो लिगेंस को चेंज कर दो या फिर मेटल्स को चेंज कर दो, एक चीज को हम कम्प्लीटली चेंज करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे CO के साथ 6NH3 थे, तो यहाँ पर CO के साथ 6CN आ गए, ये वाले CN यहाँ इसके साथ अटैच कर दिए। क्रोमियम के साथ साइनाइड थे, यहाँ क्रोमियम के साथ क्या आ गए? NH3 आ गए होल चीज। तो जो लिंकेज है लिगेंस है वो अल्टर कर दिए यहाँ पर। तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। एग्जाम्पल बेटा कम से कम एक एक एग्जाम्पल इन हर क्लासिफिकेशन का आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अगर मोर देन वन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, इट इज़ वेरी गुड, बट एटलीस्ट वन एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ लिखा है कम से कम वो जरूरी याद हो आपको। तो ऐसा भी मत करना एक एग्जांपल लिख दिया और ये ना लिखो भाई, अगर हम आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं तो कंपेयर करके तो दिखाओगे ना किसी चीज़ के साथ कि पहले ये चीज़ ऐसे थी फिर ऐसे हो गई, यहाँ पर देखो इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंस हो गया लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है ना, तो वो वाली चीज़ आपको इस तरीके से दिखानी पड़ेगी। तो सेम इसी तरीके से आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। आज हमने सिर्फ देखा है व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है और इनके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर स्पेस आइसोमेरिज्म जो है उसके बारे में नहीं पढ़ा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इसे अच्छे से कवर अप कर लें और अपने नोट्स जहाँ भी बना रहे हैं वहाँ पर इन्हें लिख लें। जब आप ये लिखें इनके जो सब टाइप्स हैं तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है बेटा, ठीक है।